हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है श्वेता और आप देख रहे हैं लाइम टी, जहां पर हम बात करते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल और स्किन केयर के ऊपर। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपका मोस्ट वेलकम, और अगर आप मेरे चैनल पर पहले भी आ चुके हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सबका शुक्रिया जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, या फिर मेरे चैनल पर आते हैं मेरी वीडियो को विजिट करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ कुछ ऐसे टॉपिक को लेकर जो है आपके स्किन केयर के ऊपर। विंटर्स आपके चल रहे हैं जो कि अब एंड चल रहे हैं, तो आपके स्किन में आपने थोड़ी सी केयर कम की है तो हो सकता है कि आपके स्किन में एक्स्ट्रा ऑयल आ रहा हो, या फिर आपके पिंपल्स आना स्टार्ट हो चुके हो, या पिंपल्स आपको इचिंग स्टार्ट हो चुके हो, या फिर कुछ ऐसा आपको चाहिए हो इंस्टेंटली कि आप उसको फेस पे अप्लाई करें और आपके एक्ने की प्रॉब्लम हो या पिंपल्स आने की प्रॉब्लम हो, ये सारी चीज़ें क्योर हो सके, साथ ही साथ आपके स्किन में एक ग्लोइंग इफेक्ट भी आ सके। और आपके स्किन में जो अगर कोई इन्फेक्शन स्टार्ट हो चुके हैं, या फिर आपके स्किन में आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो आपके स्किन बहुत अच्छे से चमकने लगे, बहुत अच्छे से शाइन करने लगे, और आपके स्किन में वो जो छोटे छोटे दाने हैं वो सारी चीज़ें की प्रॉब्लम ना स्टार्ट हो जाए। अगर किसी के छोटे छोटे दाने आना स्टार्ट हो चुके हैं या फिर आपको थोड़ी सी खुजली टाइप की फील हो रही है, तो इस पैक को अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके स्किन में फर्स्ट एप्लीकेशन पे ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको स्किन में जो आपकी प्रॉब्लम्स अगर आपको शुरू हो चुकी है, आना फील हो रहा है कि मेरी स्किन में थोड़ी सी कहीं खुजली हो रही है, पिंपल्स आना स्टार्ट है, या फिर उसके मार्क रह चुके हैं, तो ये सारी चीज़ों को क्योर करने के लिए आज मैं आपके पैक यूज़ करने वाली हूँ, जो आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से बनेगा, जो कि इंस्टेंटली आपका बन जाने वाला है। कुछ चीज़ों के हेल्प से आप अपने स्किन को बहुत अच्छे से बिना पार्लर जाए बहुत अच्छे से क्योर कर सकते हैं सारी प्रॉब्लम्स को, और फेस में एक फिर से आप अपना जैसे आपका पहला चेहरा चमकता था वैसे आप ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज मैं आपके साथ किस तरीके का पैक शेयर करने वाली हूँ। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि इस पैक को कैसे मैंने बनाया, कैसे प्रिपेयर किया है, और कैसे अप्लाई करती हूँ, और आफ्टर रिजल्ट्स क्या मिलते हैं। और आप इसको अगर आपके स्किन में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ऐसा नहीं है कि आप उसको जो है आप सोचते हैं कि एक एप्लीकेशन पे ही सारी चीज़ें क्योर हो जाने वाली है। अगर स्टार्टिंग में अगर आपकी वो प्रॉब्लम्स हैं तो डेफिनेटली ये फर्स्ट एप्लीकेशन पे आपको रिजल्ट देगा। अदरवाइज अगर आपके स्किन में पहले से पिंपल्स आ चुके हैं, उसके मार्क्स हैं, तो इसको थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। 2-3 एप्लीकेशन करने के बाद आपको उसके रिजल्ट्स आना नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और जो आपके स्किन में इशीनेस की प्रॉब्लम है या फिर आपके स्किन में छोटे छोटे दाने हैं तो वो फर्स्ट एप्लीकेशन पे ही क्योर होना शुरू हो जाएंगे, उसमें आपको रिलैक्स फील होगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि कैसे मैंने इस पैक को बनाया है। तो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले देख लेते हैं, ये हमारा कुछ पैक इस तरीके से बन के रेडी होने वाला है। हमारा कुछ इस तरीके से है जो अभी आपने देखा, बनने के बाद कुछ इस तरीके से टेक्सचर आने वाला है। तो इतनी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग हमारा ये पैक होने वाला है। और इस पैक के सबसे अच्छी खास बात ये है कि इसको बना के आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं आराम से। ये आपका एक वीक आराम से ये चल जाने वाला है, कुछ भी इसमें ख़राब नहीं होने वाला है। मैं इसमें सबसे पहले इस पैक को बनाने के लिए ऐड कर रही हूँ टर्मरिक। टर्मरिक आपकी स्किन में जो है एंटी बैक्टीरियल का गुण का काम करता है और आपके स्किन में एक ग्लोइंग इफेक्ट देता है। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ करी लीव्स। करी लीव्स आपके एक्ने की प्रॉब्लम को ट्रीट करने के साथ साथ इसमें विटामिन ए और सी पाया जाता है, जो आपकी स्किन को हेल्दी बनाए रखने में बहुत अच्छी हेल्प करता है। तो मैं 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। नेक्स्ट इसमें ऐड कर रही हूँ नीम पाउडर। नीम पाउडर आपके एक्ने की प्रॉब्लम, एंटी बैक्टीरियल गुण, ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं और सारी चीज़ों को क्योर करता है। तो इसको मैं यूज़ कर रही हूँ इतना। और नेक्स्ट आप इसमें ऐड करें ये जो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल एंटी एजिंग होता है आपका और आपके फेस में एक मॉइस्चर को लॉक करता है और कोई इन्फेक्शन है तो उसको भी हटाता है। तो इसके बाद मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ नेक्स्ट है वो जो कि हनी। हनी आपके स्किन में मॉइस्चराइजर को डीपली लॉक करता है, स्किन को क्लीन करता है, पोर्स को क्लॉक करता है। ये इतना ऐड करने के बाद आप जो है इसमें नेक्स्ट ऐड करेंगे, और एंटी रिंकल्स भी होता है, ये ऑयल को कंट्रोल भी करता है। तो नेक्स्ट इसमें ऐड करने जा रही हूँ मैं लेमन। लेमन जूस आप थोड़ी सी क्वांटिटी में आपको डालना होगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम स्किन की जो डार्क स्पॉट्स की है, एक्ने की, ये सारी चीज़ें ट्रीट हो सकेंगी। तो ये सारी चीज़ों को डालने के बाद आपको अच्छे से करना होगा इसको मिक्स। मिक्स करने में क्योंकि इतना है ये मेरा थोड़ा सा गाढ़ा है, तो इसमें अब आपको ऐड करना होगा इसके बाद रोज़ वाटर। रोज़ वाटर आपके स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करता है और आपके स्किन में एक कूलिंग इफेक्ट के साथ साथ एक शाइन लेकर आता है, हाइड्रेट रखता है आपके स्किन को। तो इनको डालने के बाद आपको एक थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी वाला चाहिए तो ठीक है, नहीं तो आपको थोड़ा सा इसको हल्का बनाना होगा इस तरीके से जितने मैंने दिखाया है, इस तरीके से आपको आपका पैक बनके आपको मिलना चाहिए। तो देख सकते हैं आपके कितना अच्छा सा ये पैक बनके रेडी हुआ है। और ये आपके एक्ने की प्रॉब्लम हो, रिंकल्स की प्रॉब्लम हो, आपके फेस में डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम हो, ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से क्योर करने वाला है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा।
तो अगर आप मार्केट प्रोडक्ट का इसमें एलोवेरा यूज़ करते हैं तो आराम से इसको एयरटाइट डब्बे में रख के आप बॉक्स में किसी में बंद करके आराम से 15 दिन तक इसको स्टोर कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं और इसके अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे अप्लाई करना है। तो मैं इस तरीके से आपको करके अप्लाई करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से आपको जो है हल्के हल्के हाथों से इसको अपवर्ड डायरेक्शन में इसको यूँ स्प्रेड आउट कर लेना है, यूँ लेके जाना है और आप इसको देखेंगे कि आपके स्किन में लगाने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट्स आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करेगा, ज़रूर इसको यूज़ करेगा। जो हम लोगों ने इसमें करी लीव्स ऐड की है, करी लीव्स आप चाहें तो जो आपके नेचुरल है वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, नीम जो आपकी लीव्स है वो भी कर सकते हैं। अगर किसी के पास अवेलेबल नहीं है तो ये मार्केट जो प्रोडक्ट आते हैं इसको भी आप यूज कर सकते हैं, तो इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर आपके पास इजिली नेचुरल वे में मिल जाने वाला है तो इसको आप जरूर यूज करें। हाँ, तो इस तरीके से मैं जैसे अप्लाई कर रही हूँ, मैंने इतना आपको दिखा दिया कि इस तरीके से मैंने अप्लाई कर लिया है टोटल ओवरऑल फेस पे। तो आपको इस तरह से लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ना होगा, थोड़ी देर का मतलब जब तक ये ड्राई आउट नहीं हो जाता 90%, तो इतना आपको छोड़ना है और इसको हल्का सा मसाज जरूर करना है। मसाज करने के बाद आपको छोड़ना है, जैसे मैं आपको मसाज करके बता रही हूँ, इस तरीके से मसाज करते हुए सर्कुलर मोशन में और जहाँ जहाँ आपके स्किन में प्रॉब्लम्स है वहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से आपको मसाज करना है और इस तरीके से इसको छोड़ देना है। तो आप देखेंगे कि हाँ, उसके बाद आपको क्या करना होगा, ये थोड़ा सा ड्राई आउट हो जाए। ये मेरा आप देख रहे हैं, मेरा काफ़ी ड्राई हो चुका है। ड्राई करने के बाद अब आपको क्या करना होगा, इसमें कुछ भी खास नहीं करना है, आपको नॉर्मल वाटर से टैप टैप करना है या फिर आप लेमन जूस का यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से करने के बाद इसको थोड़ा सा आपको फिर वेट कर लेना है, गीला कर लेना है और इसके बाद आपको फिर से अगेन जो है आपको इसको मसाज करना है, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इससे क्या होगा कि आपके स्किन में काफ़ी देर तक ये रह चुका है तो इसकी जो प्रॉपर हैं वो आपके स्किन में बहुत अच्छे से वर्क कर चुकी हैं। प्लस जब आप इसको फिर से मसाज करते हैं तो वो बहुत अच्छा सा आपको रिजल्ट देता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है आपका बहुत अच्छा चलता है। बहुत अच्छा होने की वजह से आपके स्किन में जो है जब आफ्टर वॉश अप करेंगे तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि आपकी स्किन बहुत अच्छे से शाइन करेगी, ब्लूम करेगी और आपके स्किन में जो टॉक्सिन्स हैं कि मसाज करने की वजह से ये बाहर आ चुके होंगे। तो इसलिए मसाज करना ज़रूरी है ब्लड सर्कुलेशन के लिए, उसके फेस की स्किन के लिए, शाइन के लिए, डेड स्किन सेल्स जो रिमूव करने के लिए और आपके पोर्स के थ्रू इसकी जो गुणवत्ता है, जो इम्पोर्टेंस है इसके अंदर, जो आपके करी लीव्स या नीम पाउडर में, हनी में, रोज़ वाटर में, ये सारी चीज़ें और टर्मरिक में, ये सारी चीज़ें एंटी एजिंग है। ये सारी चीज़ें आप जब मसाज करते हैं तो आपके ओपन पोर्स के थ्रू जो है, पोर्स के थ्रू वो अंदर एब्जॉर्ब होती है और बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो इसलिए मसाज करना ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप मसाज करेंगे और इसके बाद आपको इसको नॉर्मल वाटर से, जो एकदम नॉर्मल टेम्परेचर वाला वाटर आते हैं, पानी आता है, उससे आपको इसको वॉश कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने स्किन मैंने वॉश कर लिया है, ये मेरी स्किन आपको नज़र आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी से स्किन नज़र आ रही है। अगर आपकी स्किन में प्रॉब्लम है तो आप देखेंगे फर्स्ट एप्लीकेशन में आपके स्किन में जो इरिटेशन की प्रॉब्लम है, इचिनेस की प्रॉब्लम है, खुजली हो रही है या फिर छोटे छोटे दाने हैं, वो आपकी शाम तक थोड़ी देर के बाद, कुछ घंटों बाद आप देखेंगे तो वो छोटे आपके छोटे होना शुरू हो जाएंगे, सूखना शुरू हो जाएंगे। और अगर आपके स्किन में स्कार्स रह चुके हैं या इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है, एक्ने की प्रॉब्लम है, तो वो धीरे धीरे लाइटन अप होना शुरू हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे फेस में किस तरीके की शाइन नज़र आ रही है, किस तरीके की हेल्दी स्किन नज़र आ रही है। तो इस पैक को गाइस जरूर ट्राई करिएगा और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आपके सामने, जो आपकी हेल्दी लाइफ से रिलेटेड हो या फिर स्किन केयर से रिलेटेड हो। अगर आप कुछ और मेरे से पूछना चाहते हैं, किसी और टॉपिक पर मुझसे डिस्कशन चाहते हैं या फिर कुछ टाइप की वीडियोस चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बोल सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।